क्षणों बाद हम पहुंचने वाले हैं, पंबन ब्रिज को पार कर लिया हमने, अब पहुंचने वाले हैं रामेश्वरम। काफ़ी दिन से यात्रा शुरू थी, कहीं कुछ जगह रुके, कहीं कुछ दिन रुके, कहीं कुछ दिन रुके, आखिरकार आज रामेश्वरम पहुंच गए। बड़ा अच्छी जगह है, कभी साउथ में आना हो तो आना जरूर। चेहरा काला हो गया थोड़ा सा पहले से घूम घूम के। और ये देखिए रामेश्वरम, बाबा भोलेनाथ रामेश्वरम। लास्ट वीडियो में कन्याकुमारी दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके थे रामेश्वरम। रामेश्वरम पहले हम कन्याकुमारी से मदुरई गए, उसके बाद हमने वहाँ से ट्रेन ली और जिससे हम रामेश्वरम पहुँचे। रामेश्वरम करीबन हम रात के 8:30 बजे करीबन पहुँचे थे। फिर हमने सुबह तक वहाँ इंतज़ार करा और सुबह फिर हम पहुँचे रामेश्वरम मंदिर में। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि पहले समुद्र के किनारे बने घाट पर नहाएं, और ये उस घाट का दृश्य है। उसके बाद नहाने के बाद आगे मंदिर में 21 कुंडों का जल छिड़काव करके फिर अंदर मंदिर में दर्शन करने जाया जाता है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर नहाया और उसके बाद फिर अपने कपड़े वगैरह बदलकर दूसरे कपड़े पहनकर हम लोग पहुँचे रामेश्वरम मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कोई फ़ोन या बैग अलाउड नहीं था, जिस कारण से हमें बाहर लॉकर लेना पड़ा और हमने बैग वगैरह वहीं पर रख दिया। समुद्र के किनारे रामेश्वरम में जहां लोग नहाते हैं, ये रामेश्वरम मंदिर का घाट है। यहां से लोग नहाने के बाद फिर जाते हैं मंदिर में 21 कुंडों से नहाने के लिए। तो अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों ही मना है, इसलिए मंदिर के अंदर की वीडियो इस वीडियो में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये दर्शन करने के बाद के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो हमने वहाँ पर ली थी। और धीरे धीरे दोपहर हो चुकी थी और अब दोपहर के समय कुछ मंदिर का नज़ारा इस तरीके से था, एकदम सुनहरा। अगर रामेश्वरम के पास घूमने लायक जगह की बात करें तो ये रामम तीर्थम है। यहाँ पर राम जी की प्रतिमा है और वहाँ पर मूर्ति भी रखी गई है, जहाँ पर लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। उसके बाद इसी के पास पर सीता कुंड है या सीता तीर्थम है। अगर कुछ ही दूर यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग दूरी जाने पर ये जो दृश्य है, ये नटराज स्वामी का मंदिर है। उसके बाद थोड़ी दूरी पर लक्ष्मण तीर्थम, और ऐसे ही कई सारे मंदिर छोटे मोटे आते रहते हैं। इसके बाद पचमुखी हनुमान, और उसके बाद हम फिर आ गए सुग्रीव तीर्थम। ये सुग्रीव तीर्थम है, सुग्रीव तीर्थम से जामवन तीर्थम, अंगद तीर्थम, ये सब एक ही रास्ते में हैं और लगभग 4 किलोमीटर के रास्ते में ये पूरे पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ राम जी की चरण पादुका है वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते। समुद्र के किनारे बने एक ऊंचाई स्थल पर इस मंदिर को स्थान दिया गया है। यहाँ पर राम भगवान के चरण पादुकाएं हैं और ये वहाँ का दृश्य है। हरियाली के साथ साथ सुहाना मौसम और एक तरफ समुद्र, जो कि एक अलग ही प्रकार का तेज भर रहा था। तो चलिए करते हैं अब यहाँ के पूरे दर्शन और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कुछ नया है।
जगह रामम पदनाम है और ये चारों तरफ से वहाँ का दृश्य है। रामम पदनाम एक ऊंचाई पे बना होने के कारण यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पुरानी कलाकृति मंदिरों में उकेरी गई हैं। मंदिर भी काफ़ी प्राचीन हैं जहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। रामम पदम से निकलने के बाद जिस लोकर के पास हमने बैग रखा था, हमने वहाँ से बैग लिया और फिर वहाँ से होते हुए हम पहुँचे धनुषकोटी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। धनुषकोटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीन साइड से समुद्र है और वो जो रास्ता है वो बीच में है। ये है वहाँ का दृश्य। ये रामेश्वरम से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर लोग रामेश्वरम मंदिर के पास से बस से भी आ सकते हैं, जिसका लगभग किराया करीबन 30 रुपये है, जो कि तमिलनाडु रोडवेज के माध्यम से वहाँ पर आदमी पहुँच सकता है। यह धनुषकोटी है। रामेश्वरम से धनुषकोटी पहुंचने के बाद वहां पर ग्रामीणों से जानने के बाद हमें ये पता चला कि यहां पर भारत का दक्षिणी सिरा अंत होता है। इसके बाद दक्षिणी सिरे में आगे जाने के लिए पथ रास्ता आगे नहीं है। ये वहां का दृश्य है। धनुषकोटी का रोड यहाँ पर पूरा यू टर्न बना रखा है। इसके आगे बस नहीं जा सकती है, इसलिए बस अंतिम यहीं तक आदमी कोई जा सकता है। इसके आगे का रास्ता बोट या किसी अन्य साधन से किया जाता है। धनुषकोटी से निकलने के बाद हमें भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। पहले हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम पहुँचे रामेश्वरम। रामेश्वरम हमने रात में स्टे करा। रात में स्टे करने के बाद सुबह हम वहाँ से निकले मदुरई के लिए। अब हम मदुरई के लिए अपनी ट्रेन में बैठ चुके थे। अब रामेश्वरम से निकलने के बाद अब हम पम्बन ब्रिज के निकट पहुँच रहे थे। ये पम्बन ब्रिज इसलिए हम रात में रुके थे ताकि हम सुबह पम्बन ब्रिज का नज़ारा देख पाएँ कि वो सुबह कैसा लगता है। अब हम पम्बन ब्रिज करीबन पहुँचने ही वाले थे कुछ ही क्षणों में। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था पम्बन ब्रिज का। ये पम्बन ब्रिज के ऊपर अभी हम लोग चल रहे हैं, हमारी ट्रेन वहाँ पर चल रही है। ये दोनों साइड समुद्र है और समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ हैं, हवाएं काफ़ी तेज़ हैं और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में
काफी सारी बोट खड़ी हुई है। अब हम समुद्र के बीचों बीच आ चुके थे और जो हमारे लेफ्ट साइड पुल दिखाई दे रहा है, ये पुल मदुरई से रामेश्वरम को जोड़ता है। जो अपने साधन या अपने बस के माध्यम से जो लोग आते हैं वो इस पुल का प्रयोग करते हैं और इसी के माध्यम से रामेश्वरम तक वो पहुंचते हैं।
रामेश्वरम से आने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची मदुरई। मदुरई हम लोग पहुंच चुके थे करीबन 12 बजे करीब, और मदुरई के पास ये पास में एक मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि मंदिर में दर्शन शाम के 3 बजे के बाद होंगे। फिर हमने 3 बजे तक इंतज़ार करा और फिर हम शाम को वहाँ पर दर्शन करें। मंदिर में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस वजह से इसमें उसकी वीडियो वहाँ की नहीं है। हम लोगों का फ़ोन वहाँ पर जमा हो चुका था, ये वहाँ की लाइनें हैं। फिर हम मंदिर में दर्शन करने के बाद दोबारा मदुरई पहुँचे और यहाँ से हमने ट्रेन ली दिल्ली के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।